जनपद जालौन में बाइकरों की घटना बड़ी तेजी से घट रही थी, जिसके चलते पुलिस के नाक में दम हो रहा था। तब पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को आदेश दिया कि ऐसी वारदात करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी क्रम में एक टीम गठित की गई और जल्द ही इसका असर देखने को मिला। कोंच कोतवाली के अंतर्गत केलिया में बाइक चोरों के गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। तीन को पुलिस ने पकड़ लिया और दो भागने में सफल रहे। यह गैंग नंबर प्लेट बनाकर वाहनों को बेचते थे और फिर मिले रुपयों को बांट लेते थे। पुलिस अधीक्षक के कड़े फरमान का ये नतीजा था कि प्रभारी निरीक्षक कोच देवेंद्र कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक जयवीर सिंह, उप निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी, प्रदीप कुमार, पंकज कुमार ने मिलकर अपनी मजबूत टीम के साथ इन बाइक चोरों के गैंग को पकड़ा। इनके पास से 7 बाइक बरामद हुई है। देखिए, पिछले 10 दिन में हमने टोटल 17 बाइकें 2 गिरोह के द्वारा हमने बरामद की हैं। 2-3 बाइकें हमारे जो एंटी थेफ्ट स्क्वाड है उसने भी बरामद किया। टोटल 20 फरार जो अभियुक्त हैं उनके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, वो ऊपर जालौन पुलिस का जो हमारा अभियान चल रहा है अपराध नियंत्रण और अपराध अनावरण, उस कड़ी में ये पिछले 10 दिनों में दूसरी इस प्रकार की बड़ी सफलता है। आपने देखा 10 दिन पूर्व हमने थाना आटा में एक बड़ा अंतर जनपदीय गिरोह पकड़ा, जो 10 बाइकें बरामद हुई। उसी क्रम में एक दूसरा गिरोह पकड़ा गया है थाना पहुँच में, इसमें अब तक लगभग 7 बाइकें बरामद हो चुकी हैं। उनमें से 5 का वेरिफिकेशन हो चुका है, 5 से चोरी हुई थी, 2 का बाकी है। इसमें 5 नाम प्रकाश में आए हैं, इनमें से 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इन 3 अभियुक्तों का नाम दीपक, तिलक यादव और सुनील उर्फ पंडा है। इसमें सुनील उर्फ पंडा का काफ़ी लंबा चौड़ा पूर्व का आपराधिक इतिहास है और दीपक और तिलक जो हैं ये बिचौलिए, इस गैंग के बिचौलिए थे जो कमीशन लेके गाड़ियों को बेचा करते थे सेकेंड हैंड पे। और इस क्रम में हमें 2 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी शेष है जो हम जल्दी करेंगे, जिसमें एक विनय गुजर संथर का और एक बंतर है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है।